हे गाइस नमस्ते, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम टू द चैनल। जहां पर गाइस आज अपन खेलने वाले हैं हिटमैन 2 द साइलेंट असैसिन। तो गाइस लास्ट एपिसोड में ना होता यह है कि अपना जो कैरेक्टर है एजेंट 47 का, जो कि एक असैसिन है, तो गाइस ये जो बंदा है वो असैसिन के सारे काम छोड़ना चाहता था एंड छोड़ने के बाद में अपनी जो लाइफ है उसे एकदम नॉर्मल करना चाहता था। मगर गाइस अभी तक उसने जितने भी किल करे उसका ना उसको गिल्ट होता है कि मैंने इतने लोगों को मारा है। तो गाइस ये जो बंदा है वो चर्च में जाता है कन्फेशन करने के लिए, बिकॉज चर्च के अंदर जो पादरी होते हैं उसे ना गाइस अपना जो एजेंट 47 है वो पिता के समान मानता था, जिसका नाम विक्टोरिया है। एंड हाँ, वो मरा नहीं अभी तक, मानता है अभी भी है बट वो अभी मरा नहीं है। मतलब कि होता है कि गाइस जो अपना एजेंट 47 है वो कुछ टाइम उससे बात करता है, जो कन्फेशन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। मगर फिलहाल गाइस जैसे ही कन्फेशन खत्म हो जाता है यहाँ तक अपना जो सीन है वो एकदम बेस्ट चल रहा था। उसके बाद में जो पादरी है वो हो जाता है किडनैप जैसे ही वो चर्च के बाहर निकलता है। एंड गाइस आप सब लोग तो जानते ही हो अपना जो कैरेक्टर है वो कोई सादा सुधा कैरेक्टर नहीं है, वो एक असैसिन का कैरेक्टर है। तो गाइस वो जो बंदा है वो पूरा खोजपीछ में लग जाता है एंड उसी चक्कर में उसे वहाँ पे एक लेटर मिलता है एंड उस लेटर में लिखा होता है कि वो जो पादरी है उसको छुड़ाने के लिए मुझे $5,000 पे करने पड़ेंगे उन गधे किडनैपर्स को एंड उसके बाद में ही वो पादरी को छोड़ेंगे। तो गाइस यहाँ पे अपने टकलू का माथा पूरा फिर जाता है एंड वो बोलता है अत्ता माजी सटक ली आली रे आली अत्ता तुमची बारी आली, ऐसा बोलता है वो यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद में गाइस वो ना पूरा अपना सूट फिट पहनता है, एकदम टाइट बिट हो जाता है एंड अपने असैसिन के फॉर्म में आ जाता है। एंड वो डीएनए से बात करता है कि अभी मेरे जो फादर है जिसे मैं मानता था, मतलब कि पादरी, वो किडनैप हो चुका है तो मुझे उसको बचाना है कुछ भी करके। तो डायना जो है वो कैसे भी करके मान जाती है एंड उसके बाद में अपना मिशन हो जाता है स्टार्ट। वैसी गाइस अपन लोग सिल्क एली में गए थे तो पूरा एकदम मौज करी थी एंड वहाँ का जो डॉन था कल्ले बुगेसी, यार सच्ची में उस बंदे का नाम जो है वो बड़ा अजीब सा है, तो उस बंदे को मैं बोलूँगा अजीब नाम वाला डॉन। तो कैसे अपन उसके मेंशन में घुस जाते हैं एकदम चोरी छुपके से। जैसे अपन उसके मेंशन में घुसते हैं अपन एक बंदे को लुटका देते हैं, घुसने से पहले अपन लुटका देते हैं। उसके बाद में अपन धीरे धीरे अंदर करके चलते हैं एंड वहाँ पे अपन को डॉन मिल जाता है, तो अपन भी उसको चोरी छुपके से उसको टपका देते हैं, मतलब कि टपका ही देते हैं एंड वहाँ पर जो डॉन है वो डाउन हो जाता है। एंड उसके बाद में जैसे मुझे डायना बोलती है एजेंट 47 वहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, मतलब कि अपने प्लान के हिसाब से होता तो गाइस वो जो पादरी है वो बेसमेंट में होता बट वो बेसमेंट में नहीं है, तो अभी कुछ तो गड़बड़ हुई है। एंड यहाँ पे ना मुझे कुछ रशिया से इन्फॉर्मेशन भी आ रही है एंड वहाँ पे कुछ जनरल्स भी हैं वो कुछ काम गलत करने वाले हैं, तो आ जाए यार, सबसे पहले तू वहाँ से निकल चोरी छुपके से एंड वैसे तू वहाँ से निकलेगा तो सबसे पहले तुझे रशिया आना है पीटरबर्ग सिटी में। तो उसी चक्कर में गाइस अभी अपन आ चुका है पीटरबर्ग सिटी। अभी फिलहाल तो मैं आ चुका हूँ लॉकर रूम में जहाँ पे अभी मुझे इस बंदे को मारना है। यार इस बंदे ने मेरा काम जो है वो पूरा खराब कर दिया। गाइस हिटमैन का जो काम होता है वो एकदम साइलेंटली होता है, इनकी कौन आ गया यार पीछे से। सही में ऑफिसर तुझे अभी यही टाइम मिला था, पर खैर अभी मैं डबल बैरियर को बाहर निकलता हूँ एंड इस ऑफिसर को मैं ठोक देता हूँ। एंड यहाँ पे जो ऑफिसर है वो डाउन हो चुका है, मगर सबसे पहले अभी ना शायद से मेरी जो स्नाइपर है वो नीचे गिरी है, तो सबसे पहले उस स्नाइपर को मैं ले लेता हूँ। एंड गाइस अभी मैं दिक्कत आपको समझा दूँ, मतलब कि गाइस हुआ ये था कि जब मुझे डायना ने बोला कि तुझे स्नाइपर थी उस जनरल को मारने के लिए, तो यहाँ पे गाइस जो स्नाइपर थी वो डायना ने मुझे एक लॉकर के अंदर रखी थी जिसका लॉकर कोड था C137। तो वहाँ पे मैं जाता हूँ उस लॉकर को ओपन करता हूँ एंड ये जो स्नाइपर उसको मैं ले लेता हूँ। मगर गाइस दिक्कत होती ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग मुझे स्नाइपर के साथ देखते हैं एंड उसके बाद में ये लोग ऑफिसर को कंफर्म कर देते हैं कि बता देते हैं कि मेरे पास स्नाइपर है। मगर खैर कोई नहीं, तो अभी सबसे पहले तो अपना जो काम है वो पूरा कंट्रोल में आ चुका है। तो यहाँ पे जो ऑफिसर है उसकी भी ड्रेस मैंने पहन ली है जो कि बहुत ज़्यादा सही है। एंड यहाँ पे जो डोर है उसको मुझे अनलॉक भी करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इस डोर को अपन अनलॉक कर लेते हैं एंड एक बार खुल जा सिम एंड ग्रेट, यहाँ पे जो डोर है वो अनलॉक हो चुका है। तो सबसे पहले अभी भाग भाग के चलेंगे क्योंकि ना अभी जो काम है अपना वो पूरा खराब होते होते बचा है, मतलब कि गाइस यार यहाँ पे अपनी जो हेल्थ है वो लिटरली पूरी डाउन होते होते बची है। एंड यहाँ पे मुझे अभी कुछ मैप समझ में तो नहीं आ रहा, बट आई थिंक सो अगर मैं ये जो प्लेस है, मतलब कि यहाँ पे जो प्लेस है यहाँ से मैं बाहर निकलूंगा ना, तो वो जो बड़ी सी मतलब कि बिल्डिंग है उसके अंदर मैं जा पाऊंगा एंड वहां से गाइस अपना जो टारगेट है वो एकदम परफेक्टली बैठेगा। तो सबसे पहले तो मैं अभी यहाँ से निकल लेता हूँ एंड इतना अंधेरा क्यों है यार, सच्ची में बहुत ज्यादा ही अंधेरा है। एंड यहाँ पे कोई चूहे वगैरह तो नहीं है ना, वरना पता चला यहाँ पे चूहे भी हैं, मगर खैर कोई नहीं। तो यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा एंड यहाँ से आई थिंक सो मुझे लेफ्ट लेना है, सबसे पहले लेफ्ट। हाँ मैंने मैप के अंदर लिखा था सबसे पहला मुझे यही लेफ्ट लगता है, तो यहाँ से मैं लेफ्ट तो ले चुका हूँ। एंड जब मैं यहाँ से निकलूंगा ना बस मुझे कोई बंदा देखे ना, अगर किसी बंदे ने गलती से भी देख लिया ना तो गाइस वो तो मेरे शर्ट जो बॉडी है उसकी एकदम छल्ली छल्ली कर देंगे। मगर एक मिनट, यहाँ से मुझे आराम से देखना पड़ेगा, कोई बंदा मुझे देखे ना
बस कोई देखे ना मुझे, अपना जो काम है वो इनटू 100 मजा आ जाएगा। एंड ओके, यहाँ पे आसपास तो कोई नहीं है, बट वो जो ट्रक है उसके पीछे एक बंदा है। ओके, तो इस बंदे को मैं थोड़ा सा जाने देता हूँ। एंड यहाँ पे जो बंदा है वो जा चुका है, तो फटाफट से अभी ऊपर आता हूँ मैं। एंड यहाँ से ना अभी मैं भाग के चलूँगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे किसी भी बंदे के हाथ में नहीं लगना, वरना ऐसा गलती से भी मैं किसी बंदे के हाथ में लग गया तो अपनी तो चटनी होने वाली है। एंड ओके, पीछे 3 बॉडीगार्ड है, अपने सामने एक बंदा है, दो बंदे हैं। तो यहाँ से आई थिंक सो मुझे चल के जाना पड़ेगा, वरना गाइस यार यहाँ पे ये जो बंदा है उसने मुझे देख लिया, मतलब कि इस बिल्डिंग के पास में वहाँ पे देखो, वहाँ पे एक बंदा है, अगर उसने मुझे देख लिया तो गड़बड़ी हो सकती है। उसी के साथ साथ ये जो दीवार है उसके पीछे भी एक बंदा है आई थिंक सो। उस बंदे का भी एक बार मैं मैप ओपन कर लेता हूँ एंड देख लेता हूँ वो जो बंदा है वो कहाँ पे है। एक बार बस कंफर्म हो जाए वो जो बंदा है वो यहाँ पे नहीं हुआ ना, तो अपनी जो लाइफ है वो मजा आ जाएगा। एंड ग्रेट, यहाँ पे वो बंदा नहीं है, तो अभी भाग भाग के चलते हैं, वरना चल के जाने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगी एंड वो जो जर्नल है उसकी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। एंड उसकी मीटिंग ख़त्म हो गई तो अपन उस बंदे को पेल नहीं सकते, तो उसी वजह से। तो अभी सबसे पहले तो मुझे ये जो सामने वाली बिल्डिंग है वो ब्लैक कलर की, उसके अंदर पे जाना है। एंड यहाँ पे कोई बॉडीगार्ड नहीं है, तो यही सही टाइम है, तो सबसे पहले फटाफट से स्टोर को ओपन करता हूँ, बस कोई देखे ना। एंड खुल जा, सेम। ओके, तो गाइस यहाँ पे अभी डोर भी ओपन हो चुका है, तो अभी मैं आ चुका हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। एंड मुझे इस डोर को लॉक करना है। यहाँ पे यार मतलब कि ये घर है कि क्या है, एकदम ही भुलभुलैया टाइप है यार सच्ची में। एंड अभी मुझे कहाँ पे जलना चाहिए, यहाँ पे? ओके यार नहीं, यहाँ से भी स्टेप्स ऊपर जा रही है, तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं। एंड यहाँ से मुझे आई थिंक सो लेफ्ट लेना चाहिए, यहाँ से मैं आगे जाऊँ तो मैं सही राइट पे हूँ, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ क्या, मुझे पता नहीं यार सच्ची में। यार एक कैसा सा घर है यार, मतलब कि पूरी भुलभुलैया टाइप सी है। एंड मुझे पता भी नहीं चल रहा मुझे कहाँ पर जाना है। एंड ये जो डोर है वो भी लॉक हुआ हुआ है यार सच्ची में। मगर खैर कोई नहीं, अपने साथ तो डायना दीदी है, वो तो अपन को सब संभाल लेगी। मगर अभी सबसे पहले ना मुझे पोजीशन ले लिए, डायना भी बोल दिया मुझे पोजीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी 2 या फिर 4 मिनट कुछ बाकी है मीटिंग स्टार्ट होने में। एंड आई थिंक सो मैं यहाँ से ले सकता हूँ शॉट, बट मुझे कोई बेस्ट शॉट चाहिए। अगर मैं ये डोर को ओपन करूँ तो यार नहीं, इस डोर को एक बार मैं ओपन करके देख ही लेता हूँ क्या है इसके आगे। एंड शायद से मुझे लगता है गाइस अपन जिसके पीछे थे ये डोर वही है, आई थिंक सो मुझे तो वही फीलिंग आ रही है कि ये जो डोर है वो वही है। एंड यार ये जो डोर है वो सेम वही डोर है। एंड यहाँ पे ऊपर स्टेप्स जाती है जो कि कुछ काम की नहीं है, मैं यहाँ से शॉट ले ही नहीं सकता सच्ची में। तो अभी सबसे पहले तो नीचे चलते हैं। एंड नीचे जो मैंने एक विंडो देखी थी वहाँ से गाइस मुझे एक बार देखना पड़ेगा उस बंदे का मैं शॉट ले सकता हूँ कि नहीं। मैं कहाँ से आया था, यहाँ से आया था क्या? ओके। तो गाइस यार यहाँ पे ये जो बंदा है वो यहाँ पे है। ओके गाइस यार यहाँ पे तो अपने साथ गड़बड़ी हो गई है, मतलब कि डायना ने गाइस अपन को बोला था इस मीटिंग के अंदर पे एक जनरल होगा एंड उसके साथ में कोई ऑफिसर होगा, बट गाइस यार यहाँ पे ना 4-4 जनरल है यार सच्ची में। यहाँ पे गाइस यार डायना ने अपने साथ स्कैम कर दिया, अभी मुझे पता नहीं किस जनरल को मुझे उड़ाना है। उस बंदे की मैंने फोटो देखी ना कुछ नहीं देखा, मैं डायरेक्टली आ गया। एंड यार सच्ची में ये तो अपने साथ स्कैम हो गया, अभी मुझे सोचना पड़ेगा किस बंदे को मारना भी है। एंड जैसे मुझे डायना बोल रही है उस हिसाब से मुझे किसी बंदे को मारना पड़ेगा, तो देखते गाइस इस टकलू को मैं उड़ा सकता हूँ क्या। ये टकलू रुक, तेरे को उड़ाऊँ मैं? नहीं, मुझे नहीं लगता वो जर्नल है। आई थिंक सो जो जर्नल है वो 1, 2, 3 एंड वहाँ पे जो एक पीछे बैठा है वो 4, उनमें से एक है। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले मैं इस बंदे को मैं निशाना मारूँ एंड इसको मारूँ क्या ये? जैसे कि मुझे डायना बोल रही है कि वो जो बंदा है वो नाम क्या बोलते हैं उसे, वो ज़्यादा ड्रिंक्स भी करता है आई थिंक सो, मुझे उसने यही बोला है। उसकी बातों के ऊपर मैं ध्यान तो नहीं दे रहा था, बट उसके बातों से ना मुझे यही बंदा लग रहा है, बिकॉज ना गाइस ये जो बंदा है उसको मैं देख रहा हूँ वो ड्रिंक्स भी कर रहा है, उसके साथ साथ वो बातें भी कर रहा है। एंड आई थिंक सो हाँ, देखो गाइस यार वो जो बंदा है वो ड्रिंक भी कर रहा है, वो स्मोक कर रहा है कि ड्रिंक कर रहा है मुझे पता नहीं, बट वो कुछ तो कर रहा है आई थिंक सो, यही अपना निशाना है। तो मुझे इस बंदे को टपकाना पड़ेगा। अरे डायना दीदी क्या कर रही हो यार, बताओ ना मुझे किस बंदे को टपकाना है। ओके, तो गाइस यार यहाँ पे ये जो दीदी है वो बोलती है जो जनरल को अपन को टपकाना है वो कोई दारू नहीं पीता एंड वो कोई सिगरेट भी नहीं करता। आई थिंक सो गाइस यही बंदा है, इस बंदे को मैं उड़ाने वाला हूँ। जय बजरंग बली की, इस बंदे को मैं उड़ाऊंगा अभी। एंड ग्रेट, ओके, तो अभी ना मैंने उस बंदे को तो टपका दिया, बट अभी ना दिक्कत यह है कि मुझे अभी याद नहीं है मैं किस रूम से बाहर आ गया था, बिकॉज ये जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल ही भुलभुलैया टाइप की है। मगर हाँ, ये जो स्टेप्स है उसके हिसाब से अगर मैं जाऊँगा तो मैं शायद से राइट भी हो सकता हूँ, बट अभी इस घर के अंदर पर कोई बंदा ना आ जाए। अगर गलती से भी कोई बंदा आ गया ना तो अपनी तो दिक्कत आने वाली है। एंड ओके, मुझे लगा था गाइस यार यहाँ पे कोई बंदा है एकदम सीरियसली, मगर खैर यहाँ पे अपन को कोई बंदा जो नहीं मिला जो कि बहुत सही है। एंड यार ये घर ख़त्म क्यों नहीं होता, और कितना नीचे जाना पड़ेगा मुझे? ओके गाइस यार यहाँ पे मुझे लगता है ये मेन डोर है। ओके, तो गाइस यार यहाँ पे जो मेन डोर है वो ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे कुछ बंदे भी है।
एंड यहाँ पे गाइस मैं गलती से भी भाग नहीं सकता बिकॉज गाइस अभी जो सिचुएशन चल रही है, मतलब कि यहाँ पे ये जो लोग है वो पूरे एकदम अलर्ट हो चुके हैं बिकॉज मैंने उनके जनरल को उड़ा दिया है। एंड आई थिंक सो मुझे नहीं लगता गाइस ये लोग को पता भी है, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। बिकॉज गाइस अगर ये लोग को पता होगा कि पता होता कि अगर वो जो जनरल है वो टपक चुका है तो यहाँ पर अभी तक अलार्म बिलाराम बच जाते हैं एंड अभी तक कोई ना कोई मुझे मारने जरूर आता। मगर खैर यहाँ पे तो मुझे कोई बंदा दिख नहीं रहा एंड यहाँ पे ना मुझे एकदम आराम से चलना पड़ेगा। बट एक मिनट, यहाँ पे कोई बंदा नहीं है तो मैं भाग भी सकता हूँ। ओके, तो मैं भागना चाहता हूँ तो फटाफट से भाग के चलते हैं। एंड उसी के साथ में गाइस यार, हाँ मैं आप सबको एक बात भी बोलना चाहता था कि ये जो पैंडेमिक का टाइम चालू है तो गाइस उसी वजह से आप लोग घर पर रहो, सुरक्षित रहो एंड घर पे मौज करो यार, मतलब कि बाहर क्या ही घूमना, तो उसी वजह से आप लोग घर पे रहो, सुरक्षित रहो। एंड एक मिनट यार, मैं क्या बातों के चक्कर में गई सर, यहाँ पे ना एकदम ही प्रॉब्लम हो गई है, मतलब कि मुझे भागते हुए ना दो तीन बंदों ने देख लिया एंड वो लोग जो थे ना गाइस वो बॉडीगार्ड थे उस जनरल के। एंड वो लोग को पता लग गया कि मैंने अभी जनरल को उड़ा दिया तो वो डायरेक्ट मुझसे फाइट कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बस मैं यहाँ से एक बार नीचे चला जाऊँ तो मेरे लिए बहुत सही हो जाएगा। एंड वैसे भी गई सर, जो डायना है उसने ना गाइस अपने लिए ट्रेन का बंदोबस्त कर दिया जिससे कि अभी मेरी जो सिटी है यानी कि पीटरबर्ग सिटी उसे मैं बाय बाय बोल के यहाँ से निकल सकता हूँ जिस रूट से मैं आया था। बस यहाँ से एक बार मैं भाग के निकल जाऊँ तो अपना जो काम है वो इंटू 100 हो जाएगा। एंड ये जो टनल है वो इतनी बड़ी है कि मैं कहाँ से खा गया किसी को कुछ भी पता नहीं चलने वाला। तो गाइस सबसे पहले यार ये स्नाइपर क्यों गिर जाती है नीचे, मुझे पता नहीं यार, ओके स्नाइपर को मुझे फिर से उठाना पड़ेगा। एंड अभी भाग के चलते हैं यहाँ से, आई थिंक सो मुझे राइट लेना है, उसके बाद में लेफ्ट लेना है, उसके बाद में फिर से मुझे लेफ्ट लेना है। बट सबसे पहले अपने हाथ में ना यानी कि अपने हैंड में एक ना गाइस में साइलेंट वेपन रख लेता हूँ, क्यों ना अपने काम आ जाए, मतलब कि आपके सामने कोई बंदा आ जाए एंड वो मुझे टपका के जाए तो बहुत गलत ही सीन हो जाएगा। एंड खैर कोई नहीं, तो अभी एकदम अपन आराम से चलेंगे बिकॉज मुझे लगता तो नहीं है यहाँ पे कोई बंदा होगा, बिकॉज यहाँ पे अगर बंदे होते ना तो अभी तक तो मेरे चटने करके भाग जाते हैं एंड मेरी जो हेल्थ है वो भी पूरी डाउन हो चुकी है। तो हाँ मैं ये बोल रहा था गाइस कि गाइस अभी ये जो पैंडेमिक का टाइम चालू है तो घर पे रहो, मौज करो, मजे में रहो, खाओ पियो, काम पे जाते हो तो गाइस मास्क भी एकदम पहना करो, सैनिटाइजर को अपने साथ कैरी किया करो। एंड हाँ अगर आपको ना बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो ही आप घर से बाहर निकलो, वरना ना निकलो यार, सच्ची बोलता हूँ मैं तो। गाइस सर बस घर पे ही रहता हूँ, अपना वर्क फ्रॉम होम चालू है, उसी के साथ में मैं वीडियो भी बनाता हूँ तो उसी वजह से गाइस पर जो दिन है वो कट जाता है। अगर इसे लास्टली तो अभी मैं बस इतना ही बोलूँगा कि हम हैं तो हमारा परिवार भी है, तो गाइस प्लीज़ थोड़ा बाहर जाने के जो भी प्लान्स बनते हैं उसको अवॉइड करो एंड घर पे बैठो यार। ओके, तो गाइस यहाँ पे अभी बातों ही बातों में अपना जो मिशन है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है एंड अपन अभी ट्रेन के अंदर पे बैठ चुका है। इसका मतलब ये है गाइस कि अभी अपना जो बाल है वो कोई भी बाकरा नहीं कर सकता, जो कि बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। एंड इसी के साथ में गाइस अपना जो मिशन 2 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ गाइस आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मास्क पहनो, घर पे रहो। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many